तो अपने टेबल पर हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग एक क्लासिक सी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बॉक्स का ओवरव्यू दे दूं। सो दिस इज रियलमी वॉच एस टू। मैंने ये चेन लिंक वाला मंगवाया हुआ है, ब्लैक कलर में आता है। क्विकली अगर हम साइड में फीचर्स देख लें तो सुपर एआई इंजन आपको मिल जाता है, जो क्वेरीज वगैरह कर सकते हो और इंस्टेंटली रिजल्ट्स भी पा सकते हो। अगर डिस्प्ले साइज की अगर हम लोग बात करें तो 1.43 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले है, काफ़ी ब्राइट है। बैटरी की अगर हम लोग बात करें तो 20 डेज बैटरी लाइफ। बट अगर आप इसमें कुछ एफिशिएंट सेटिंग्स टर्न ऑन कर देते हो या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को अगर आप ऑफ कर देते हो तो आपकी जो बैटरी है वो डेफिनेटली 20 दिन तक चल जाएगी। इस साइड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे है कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स एंड हेल्थ मॉनिटरिंग। तो काफ़ी सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं और बेसिकली आपका जो हेल्थ है उसको ये मॉनिटर और ट्रैक करता रहेगा। क्लियर ब्लूटूथ कॉलिंग, इसके अंदर आपको स्पीकर एज वेल एज आपको माइक मिलता है जिसके मदद से आप ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हो। ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइस कनेक्शन का सपोर्ट हमें मिल जाता है। पीछे अगर हम लोग देखें तो मॉडल नंबर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कुछ जेनरिक नेम स्मार्ट वॉच दिया गया है। जुलाई 2024 की मैन्युफैक्चरिंग है, तो लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है। MRP है 9999, बट मुझे ये 5200 का पड़ा है। सेल के टाइम पे अगर आप ये बिग बिलियन डेज के टाइम पे देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली इससे काफ़ी कम में मिल जाएगा, कार्ड्स ऑफर वगैरह लगा के। सो आप ओपन कर लेते हैं इसको, कुछ इस तरह से ये ओपन होता है। यहाँ पे एक लैच दिया गया है, उसको हम सिंपली इस तरह से खींच लेंगे। सो बॉक्स में और कुछ नहीं है और यार काफ़ी हैवी है, अगर मैं वॉच कहूँ तो काफ़ी हैवी है। और सबसे पहले हम वॉच को इससे निकाल लेते हैं। ओके, सो ये रही हमारी वॉच। यहाँ पे कुछ सपोर्ट दिया गया है ताकि ये हिले नहीं। एक चीज़ बताऊँ, ये काफ़ी हैवी है, मुझे लगा थोड़ा हल्का सा स्मार्ट वॉच क्या ही होगा, तो इसका अच्छा खासा वेट है। छूने में जो फील आ रहा है वो काफ़ी प्रीमियम आ रहा है, बिग डैडी वॉच टाइप का मुझे लग रहा है। बहुत स्टाइलिश और बहुत एलिगेंट इसका डिज़ाइन और कलर मुझे लग रहा है। चलिए इसको साइड में रखते हैं। बॉक्स के अंदर हम लोग देखें, यहाँ पे आपको रियलमी वॉच एस टू का एक यूज़र गाइड आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसको आप कैसे चार्ज वगैरह करोगे, पेयर वगैरह करोगे, सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाती है यहाँ पे। उसके बाद है नेक्स्ट, एडजस्टेबल चेन स्ट्रैप है, बेसिकली मेटल का चेन स्ट्रैप है। तो इसको कैसे एडजस्ट करना है उसका यहाँ पे यूज़र मैनुअल दिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा रिस्ट पतला है तो मुझे डेफिनेटली इसके चेन लिंक्स निकालने पड़ेंगे, तो उसी का सारे प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, कैसे क्या इसको इंस्टॉल या फिर चेन लिंक्स को निकालना है। इसको भी साइड में रख देते हैं। एक छोटा सा कंपार्टमेंट यहीं पे दिया गया है, सो इसको निकाल लेते हैं। सो दो हमें चीज़ें मिलती हैं। पहला है हमें एक USB केबल मिल जाती है जो कि जिसकी मदद से हम इसको चार्ज करने वाले हैं। लास्टली जो यहाँ पे मेंशन किया गया जो स्ट्रैप डिसअसेंबली टूल है वो हमें मिल जाता है। सो ये रहा, और इसी टूल के साथ साथ जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो और हमें अटैचमेंट्स मिल जाते हैं नीडल्स के, जिसकी मदद से आप इसके स्ट्रैप को घर ही बैठे खुद ही एडजस्ट कर लोगे। तो साइड में रख देते हैं। माय गुडनेस यार, इसका कलर और जो फील आप जैसे देख पा रहे हैं काफ़ी प्रीमियम लगता है। जो इसका ऊपर का डायल है वो मूवेबल नहीं है। यहाँ पे चेन के स्ट्रैप को भी हटा लेते हैं। सो कुछ आपको इस तरह की ये वॉच देखने के लिए मिलती है यार, काफ़ी प्रीमियम है यार। टेक्स्चर्ड पेंट है और मैट कलर में ये आता है ताकि और ये प्रीमियम लगता है। इसकी जो डायल के एजेस हैं वो भी काफ़ी स्मूथ है। मुझे लगा थोड़ा सा यहाँ पे रिम टाइप का कुछ होगा ताकि यहाँ पे उंगली कभी कभार घिस जाता है, पर वैसा नहीं है, एकदम स्मूथ कॉर्नर्स हैं। तो अगर हम लोग स्ट्रैप की बात करें तो ये देखिए बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसको जैसे आप दबाओगे ये कुछ आपका इस तरह से ओपन हो जाता है। वॉच के नीचे अगर हम लोग देखें तो बॉडी सेंसर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पे चार्जिंग डॉक हमें देखने के लिए मिल जाता है। ये IP68 रेटिंग के साथ आता है, तो इसका मतलब जो अंडर वाटर भी आप यूज़ कर सकते हो और पहन के आप नहा धो भी सकते हो। सो बात कर लेते हैं इसके बटन्स और सेंसर्स की। सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है एक अपर डायल बटन, जो डायल है इसको आप प्रेस भी कर सकते हो। उसी के नीचे हमें यहाँ पे एक सेकेंडरी फिजिकल बटन मिलता है या लोअर फिजिकल बटन मिलता है। उसी के यहाँ पे राइट साइड में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक माइक दिया गया है जिसके मदद से आप कॉल्स वगैरह ले सकते हो, और जो इसका सुपर AI इंजन है उसको आप कमांड देके आप अपने डिजायर्ड आउटपुट ले सकते हो। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक स्पीकर मिलता है और काफ़ी बड़े स्पीकर हैं फॉर कॉल्स एंड मीडिया प्लेबैक। स्ट्रैप को निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये जो लॉक है उसको निकाल देना है, थोड़ा सा आपका ये लूज हो जाए। और यहाँ तो स्ट्रैप के यहाँ पे आपको एक लॉकनट जैसा कुछ मिल जाता है, इसको सिंपली आप पीछे पुश करोगे तो आपका ये जो है वो अनलिंक हो जाएगा। और वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो इसको मैंने ऐसे पीछे किया और इस कुछ इस तरह से मैंने निकाल दिया। जस्ट इन केस अगर आपको कभी वॉच स्ट्रैप अगर चेंज करना पड़ा इन फ्यूचर तो इट इज़ दिस ईजी। बस है आपको ध्यान रखना है कि ये जो इसके जो लॉक पिन्स हैं ये मिसप्लेस ना हो, इसको आप संभाल के रखिएगा। कुछ इतना बड़ा आपका टोटल ये वॉच है या इसका जो स्क्रीन है 1.43 इंच का ये स्क्रीन है, एमोलेड स्क्रीन है, तो इसमें ब्लैक्स वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे दिखने वाले हैं। ओवरऑल पीछे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे रियलमी की ब्रांडिंग है, AI वॉच लिखा है, IP68 रेटिंग के साथ आता है, कस्टमाइजेबल सुपर बैटरी लाइफ ये क्लेम करता है। यहाँ पे कुछ इनका ब्रांड का अपना मॉडल नंबर और सीरियल नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे जो आप बेसिकली देख रहे हो ये आपका हार्ट रेट सेंसर
और चार्जिंग कॉन्टैक्ट है। तो चार्जिंग कॉन्टैक्ट कहाँ लगेगा जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता है, ये रहा आपका चार्जिंग केबल और ये रहा आपकी चार्जिंग पिन। सिंपली जो आपका चार्जिंग पिन है आपके चार्जिंग कॉन्टैक्ट पे ऐसे टच कर दोगे और ये मैग्नेटिकली चिपक जाएगा और आपको सिंपली इसको पावर दे देना है। और ये 0 to 100 आपका 60 to 70 मिनट्स, एक से ऑलमोस्ट मान लो 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट कुछ इतना चार्जिंग टाइम लेता है फुली चार्ज होने में। तो बूट करने के लिए सबसे पहले यूज़र मैनुअल कहती है कि आपको इसको चार्जिंग में लगाना है, तो ये अपने आप जो है स्टार्ट हो जाएगा। सो ये रहा हमारा पावर ब्रिक, सिंपली हम इसको इस तरह से इसमें लगा देंगे और हम इसको ऐसे पावर कर देंगे। एक हैप्टिक फीडबैक मुझे मिला। इसके बाद हम इस चार्जिंग केबल को हटा देते हैं, तो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट दिखाता है, तो हम लोग सिंपली इंग्लिश में टैप करके टिक पे दबा देंगे। अब यहाँ बोल रहा है कि डाउनलोड दी रियलमी लिंक ऐप ऑन योर स्मार्टफोन, तो मेरे फ़ोन में ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रियलमी लिंक ऐप है। यहाँ पे मैं प्लस आइकन पे टैप कर देता हूँ और वाईफाई नीड्स टू टर्न ऑन। ये देखिए ऑटोमेटिकली जो है मेरा रियलमी वॉच वो यहाँ पे लिस्ट हो गया। मैं सिंपली इस पे टैप कर देता हूँ और ये कनेक्ट हो रहा है ऐसे। और जैसे ये कनेक्ट होता है तो पेंडिंग कन्फर्मेशन यहाँ पे लिखा आता है, यहाँ पे पूछ रहा है बाइंड, ये सिंपली हम इस पे टैप कर देते हैं, ये योर डिवाइस हैज बीन पेयर्ड, यहाँ पे मैसेज आ गया। सेम टाइम पे यहाँ पे ब्लूटूथ पेयरिंग का हमें कोड मिल जाता है, इसको भी हम लोग यहाँ पे पेयर कर लेते हैं एक ही टाइम पे और अग्री कर लेना है। सो जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट इसको सेटअप कर लिया है, यहाँ पे एक फर्मवेयर अपडेट आता है, सिंपली हम इसको अपडेट कर लेते हैं। न्यू वर्जन अवेलेबल अपडेट नाउ पे जैसे ही मैंने इसको टैप कर दिया, कीप योर डिवाइस क्लोज टू योर फोन, आपको जो स्मार्ट वॉच है वो आपके डिवाइस के पास होना चाहिए, और डाउनलोड कंप्लीट। और ये देखिए एक बीप साउंड आया और यहाँ पे ये अपडेट होने लगा, यहाँ पे सिंपली आपको जो है परसेंटेज शो कर रहा है। रियलमी के डिवाइसेज मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें रेगुलर फर्मवेयर अपडेट्स आते रहते हैं, महीने 2-3 महीने में एक दो फर्मवेयर अपग्रेड आते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, और जो इसमें नोन बग्स होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। तो ये देखिए 100% जैसे ही हो गया ये अपडेट मोड में चला गया, कुछ ऐसा आपका स्क्रीन में आइकन आने वाला है और यहाँ पे लिखा आ रहा है फ़ोन में कि अपडेटेड। यहाँ पे इतने सारे आपको परमिशंस मांगते हैं, तो आपको इतने परमिशंस आपको देने हैं। ये डिवाइस के ऐप नोटिफिकेशन का आपको सबसे पहले परमिशन देना है, कॉन्टैक्ट्स का, SMS का और लोकेशन का जो परमिशन है वो आपको अलाउ ऑल द टाइम कर देना है, वरना आपको ये बार बार यहीं पे सेटिंग्स पे लाता रहेगा, रिडायरेक्ट करता रहेगा ऑल द टाइम के लिए। तो ये हमारा रियलमी वॉच S2 का इन ऐप फीचर है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 150 से भी ज़्यादा हमें वॉच फेसेस मिलते हैं और यहाँ पे स्पोर्ट्स, मैकेनिकल, आर्ट, पॉइंटर, क्लासिक, फंक्शन, टेस्ट, सिंप्लिसिटी, डायनेमिक वॉच फेस, बिल्ट इन डायल भी बाय डिफॉल्ट ये वाला हमारा लगा हुआ है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वॉच फेसेस मिलते हैं देखने के लिए। अगर आप पहली बार रियलमी लिंक ID बना रहे हो तो आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और हाइट वेट पूछेगा, तो ये चीज़ नॉर्मल है। मेरे केस में नहीं है क्योंकि मेरे में ऑलरेडी ये सारी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। रियलमी ऐप पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं, सबसे पहले हम वॉच को एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो दिस इज़ दी वॉच, ये आपका वॉच फेस है बाय डिफॉल्ट, काफ़ी प्रीमियम एक लग्जरी वॉच जैसा हम मुझे फील हो रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। अब एमोलेड डिस्प्ले तो जाहिर सी बात है जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो ऑसम होने वाली है, जो ब्लैक से काफ़ी डिफाइंड है और टच कंट्रोल्स है, तो यहाँ पे स्वाइप अप कर तो ये जो व्हाट्सएप, SMS और कॉल्स वगैरह, मिस कॉल्स वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो नोटिफिकेशंस बेसिकली। स्वाइप डाउन करें तो नोटिफिकेशन पैनल मिल जाता है यहाँ पे। अगर हम लोग राइट स्वाइप करें तो रिसेंट एप्लीकेशन, हार्ड डेटा और एक्टिविटी डेटा वगैरह आप देख सकते हो, वर्ल्ड क्लॉक वगैरह है और कुछ नहीं है। अगर हम लेफ्ट स्वाइप करते हैं एकदम तो यहाँ पे एक्टिविटी डेटा मिल जाता है, स्टेप्स काउंट मिल जाता है और कोई एक्सरसाइज मोड मिल जाते हैं विद ट्रैकिंग, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आप जिस भी तरह का एक्सरसाइज एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हो वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे हार्ट रेट हमको मिल जाता है, यहाँ आपका करंट जो हार्ट रेट है या बीट्स पर मिनट है वो यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे है स्ट्रेस कितना है वो मेजर करता है यहाँ पे, उसका जो स्लीप की क्वालिटी है वो यहाँ पे मेजर करता है। तो जो वेदर है वो रियलमी लिंक ऐप से मुझे पहले कन्फिगर करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे शो होगा। उसके बाद है यहाँ पे रियलमी म्यूजिक, यहीं से आप इसको प्ले, पॉज, नेक्स्ट, प्रीवियस सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वॉल्यूम बटन पे, तो यहीं से आप इसका जो वॉल्यूम अप डाउन है वो चीज़ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो रिपीट मोड, शफल मोड और नॉर्मल मोड, इसमें 200 MB तक के आप गाने इसमें भर सकते हो। रियलमी वॉच से ही आप वो सारे म्यूज़िक सुन सकते हो, आप वॉच की म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपके स्मार्टफोन के साथ कनेक्टेड है तो आपका स्मार्टफोन को ये कंट्रोल करने वाला है, बेसिकली उसका जो स्मार्टफोन प्लेबैक है वो कंट्रोल करेगा। और यहाँ से ब्लूटूथ ईयरफोन, मान लीजिए आपके स्मार्ट वॉच में गाने हैं और आपको TWS में सुनने हैं, तो आप स्मार्टफोन ना यूज़ करके भी सिर्फ स्मार्ट वॉच से अपने जो TWS है या वायरलेस ईयरफोन है उसको कनेक्ट करके आप सुन सकते हो। यहाँ से अगर हम लोग ये जो लोअर फिजिकल बटन है उसको दबाते हैं, ये एक्सरसाइज मोड में चला जाता है। बाकी चाइनीज ब्रांड की तरह नहीं है कि लैग है, कुछ ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी स्मूथ है, यूज़र इंटरफेस है, कोई लैग नहीं है, कोई बहुत स्मूथ एनिमेशन है। ऊपर से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे नोटिफिकेशन हमको मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, बैटरी परसेंटेज,
D&D ब्राइटनेस मोड मिल जाता है, ऑटो ब्राइटनेस नहीं आता है इसमें, तो मैनुअली आपको ब्राइटनेस कंट्रोल करना पड़ता है। अभी 20% पे है ये रहा, 40, 60, 80, 100, ये राइज टू वेक ऑन ऑफ यहीं से आप कर सकते हो। तो मैं इसको ऑन पे छोड़ देता हूँ फिलहाल। ये आपका फ्लैश लाइट यहाँ पे मिल जाता है, दो लेवल्स ऑफ फ्लैश लाइट आपको देखने के लिए मिलता है। ये देखिए ड्रेनिंग वाटर मोड दिया गया है, एक हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज यहाँ पे छोड़ता है। अगर आप जस्ट इन केस अगर आपके स्पीकर्स में पानी चला गया कभी, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से ये निकाल देगा। यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाता है, साइलेंट ऑन ऑफ मिल जाता है, पावर सेविंग मोड मिल जाता है, राइज टू वेकअप और जितने भी मॉनिटरिंग फीचर्स होते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। तो इसी वजह से आपका जो स्मार्ट वॉच की बैटरी काफ़ी ज़्यादा लंबे चलने वाली है। फाइंड माई डिवाइस यहाँ पे दिखा रहा है, अगर आप इस पर टैप करते हो तो जिस भी फोन से कनेक्टेड रहेगा, जो और ब्लूटूथ के रेंज में रहेगा, तो ये ऑटोमेटिकली बजने लगेगा। इस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच का सबसे हाईलाइटेड फीचर है AI वॉइस असिस्टेंट, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप कुछ क्वेरी कर सकते हो, व्हाट इज एन AI बोल के मैंने फिनिश कर दिया। अभी ये रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये देखिए रिकॉग्नाइज कर लिया, हमने स्टार्ट जनरेटिंग पे क्लिक कर दिया, अब ये एक रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। refers to the simulation of human intelligence in machines that are programmed to think and learn. It encompasses a variety of technologies and techniques that सर्च रिजल्ट के साथ साथ ये बोल के भी आपको बताता है। और तो और मैं इसी AI के मदद से मैं वॉच फेसेस भी, कस्टम वॉच फेसेस भी बोल के बना सकता हूँ। BMW कार और मैं जनरेट पे टैप कर दिया है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पे AI के फीचर्स आप यूज़ करोगे, मेक श्योर कि आपका जो स्मार्टफोन है वो नेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए और ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। इसमें खुद कनेक्टिविटी नहीं है तो आपको रियलमी लिंक ऐप और स्मार्टफोन लगेगा इस AI को जनरेट करने के लिए। यहाँ पे एक AI BMW कार जनरेट हो गया है और यहाँ पे जनरेटिंग डायल लिखा है, मेरे जो रियलमी लिंक ऐप है उसमें यहाँ पे आ गया है। और मैं यहीं से अगर मैं ओके कर देता हूँ और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये देखिए ये जो है मेरा जो वॉच फेस है वो सिंक होने लगा है। ये काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगा कि आपको सिर्फ एक बार बोलना है, अपनी इमेजिनेशन लगानी है और यहाँ पे एक इमेज जनरेट हो जाएगा, जिसके बेस पे आप यहाँ पे अपने हिसाब से वॉलपेपर लगा सकते हो। AI की भी अपनी लिमिटेशन है, वो एकदम कभी कभार एग्जैक्ट चीज़ नहीं देती है, उससे मिलती जुलती कभी चीज़ दे देती है। सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे सिंकिंग वॉच फेस का ऑप्शन मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है, जिसके मतलब ऑलवेज ऑन फेसेस लगा सकते हो। आप साउंड एंड वाइब्रेशन में जाकर आप साइलेंट मोड, सिस्टम वॉल्यूम, इनकमिंग रिंगटोन वगैरह यहाँ से चेंज कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। काफ़ी सारे यहाँ पे दिए गए हैं मैसेज टू वाइब्रेशन फीडबैक वगैरह भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, लो मीडियम हाई, मैं मीडियम पे छोड़ देता हूँ। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में ये देखिए यहाँ पे आप मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हो और नाइट ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हो, स्क्रीन ऑन टाइम वगैरह सेट कर सकते हो, 5 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक ये स्क्रीन ऑन टाइम आप रख सकते हो। रेस्ट टू वेकअप, कवर टू स्लीप, तो बेसिकली जब आप स्क्रीन के ऊपर हाथ रख दोगे कुछ ऐसे तो ये बंद हो जाएगा। तो मैंने अपने रिस्ट पे बांध लिया है, यहाँ पे हार्ट रेट यहाँ पे सेंस कर रहा है, यहाँ पे इसने फाइनली कैलकुलेट करके दिखा दिया कि 98 बीट्स पर मिनट है मेरा। और मैं एक बार रिमोट पे भी लगा के देख लेता हूँ कि ये सेंस कर पाता है या नहीं। ये मैंने अभी रिमोट पे लगा दिया है और ये देखिए वियर योर वॉच करेक्टली, अगर मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट भी एडजस्ट कर देता हूँ तो ये सेंस कर ले रहा है कि ये ह्यूमन हैंड नहीं है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ है। और जैसे ही मैंने इसको अपने रिस्ट में डाला ये फिर से मेजर करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है कि ये फीचर जो है वो गिमिक ही नहीं है। ये रहा इसका AOD, फिर से ऑन हो गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, हल्की सी यहाँ पे लाइट जली हुई है। यहाँ पे एक फीमेल हेल्थ के लिए भी एक डेडिकेटेड साइकिल ट्रैकिंग यहाँ पे दिया गया है फॉर फीमेल्स, इट इज़ अ यूजफुल ऐप। तो ऐप व्यू को मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, मुझे लिस्ट अच्छा लगता है, अब चीज़ें काफ़ी मुझे सॉर्टेड लग रही है, मुझे पसंद है जो लिस्ट वाला व्यू है वो पसंद आता है। इससे पहले हमने हार्ट रेट देखा था और यहाँ पे SpO2 हम लोग देख लेते हैं कितना एक्यूरेट है। मैं सजेस्ट करूँगा आपका जो वॉच है आपके रिस्ट में एकदम चिपका हुआ होना चाहिए, तो आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 97%, और ये यहीं से टाइम के हिसाब से ये जो डॉट दिख रहे हो वो टाइम और परसेंटेज यहाँ पे दिखा रहा है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं जो इसका SpO2 वाला फीचर है वो यूज़फुल है। ये स्ट्रेस मॉनिटर है, इसको भी हम लोग यूज़ करके देख लेते हैं, मैं 2 बार स्ट्रेस ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ तो एक बार और देख लेते हैं। ये देखिए स्ट्रेस मेरा 26 पॉइंट्स पे है और अभी ये रिलैक्स मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसकी मदद से आप अपना स्ट्रेस लेवल भी चेक कर सकते हो, जो कि काफ़ी यूनिक और यूज़फुल और थोड़ा बहुत एक फन फीचर मुझे लग रहा है। स्लीप मोड मैंने आपको बता दिया था, ये आपका ब्रीदिंग कोर्सेज है, तो यहाँ पे बेली ब्रीदिंग जो कपाल भाती होता है बेसिकली वो है, और 4-7-8 ब्रीदिंग कुछ है, और इसमें मेनली ब्रीदिंग एक्सरसाइज के प्रीसेट्स दिए गए हैं, तो 1 by 1 आप उसको यूज़ कर सकते हो। बॉडी एनर्जी लेवल्स को अगर हम लोग देखें तो फिलहाल मेरा 22 पे है। बॉडी एनर्जी क्या है वो आई बटन पे टैप करके या हेल्प बटन पे आप देख सकते हो, टोटली यहाँ से स्क्रॉल करके पूरा पढ़ सकते हो। तो जो भी है मेरा बॉडी एनर्जी लेवल जो है 22 पे है। साइकिल ट्रैकिंग इसको ऑपरेट करने के लिए आपको जो रियलमी लिंक ऐप है उसको यूज़ करना पड़ेगा। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि एम्बियंट नॉइज़, सराउंड में नॉइज़ कितनी है हमारे, वो इसका जो माइक है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। अभी मेरे आसपास का जो नॉइज़ है मेरे बोलने से देखिए ऊपर नीचे बढ़ रहा है, तो ये देखिए येलो बार मतलब थोड़ा सा लाउड है,
क्योंकि बाहर ट्रैफिक की भी नॉइस है और मैं एकदम माइक के पास बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे 81 डेसिबल्स दिखा रहा है। तो ये चीज़ भी काफ़ी यूजफुल फीचर आपके लिए हो सकती है, जस्ट इन केस अगर आप पॉडकास्टिंग वगैरह कर रहे हो। कैमरा कंट्रोल में जैसे आप दबाओगे एक बार वाइब्रेट होता है, अगर आपका कैमरा ऑन है तो पिक्चर क्लिक हो जाएगी। सेटिंग्स में वही रेगुलर सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देख लेते हैं इसका जो रियलमी ऐप है उसे। ये रहा हमारा रियलमी ऐप और मैंने रियलमी वॉच S2 पे टैप कर दिया। यहाँ पे आप सबसे ऊपर फेस गैलरी आपको मिल जाती है फॉर चेंजिंग वॉच फेसेस। नोटिफिकेशन यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो किन किन ऐप्स का आप नोटिफिकेशन अपने वॉच पे चाहते हो। और वर्कआउट्स में आपको इतने सारे वर्कआउट मिल जाते हैं, आप एक बार में अपने वॉच में 20 ऐड कर सकते हो, पर उसके अलावा और भी आपको इतने सारे वर्कआउट ऑप्शंस मिल जाते हैं ट्रैक करने के लिए। देखिए लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है एक तरह से, तो काफ़ी यूजफुल फीचर है फॉर ट्रैकिंग योर एक्टिविटीज़। इंटेलिजेंट वर्कआउट रिकॉग्निशन है, आप इन सारे मोड्स को आप ऑन कर दोगे तो अपने हिसाब से SPO2 बीट्स पर मिनट के हिसाब से आपको बता देगा कि आप कौन सा वर्कआउट बेसिकली कर रहे हो। टाइल्स में बेसिकली ये जेस्चर को एडिट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे बैक करते हैं, इवेंट रिमाइंडर आपको मिल जाता है, यहीं से आप इवेंट वगैरह देख सकते हो, हेल्थ रिमाइंडर देख सकते हो। मोर फंक्शंस में अगर आप जाओगे तो फाइंड माई फोन है यहाँ पे, फाइंड माई वॉच यहाँ पे है, जस्ट इनके साथ का वॉच गुम जाता है तो सिंपली यहाँ पे आप दबाओगे, ये वाइब्रेट होने लगा और एक साउंड इसमें से आने लगी। अगर मैं इस पर जैसे टैप कर देता हूँ तो बंद हो जाता है, तो ये एक यूजफुल फीचर है टू फाइंड योर वॉच जस्ट इन केस इफ यू लॉस्ट इट। वेदर में यहाँ पे ऑन कर देते हैं करंट ऑप्टेनिंग लोकेशन। अभी लोकेशन इसने ऑप्टेन कर लिया तो मैं अभी आपको वॉच में जाके दिखा दूँ, और लोकेशन सेट कर दिया तो आपके वॉच में भी वो वेदर यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। और ये रहा म्यूज़िक, यहाँ से आप प्लेलिस्ट बना सकते हो अपने वॉच का। यहाँ पे मैंने कॉज नाम लिख दिया और डन कर दिया, और सिंपली मैं इस पर जाके टैप करता हूँ ऐड म्यूज़िक टू माय प्लेलिस्ट। ओके, ये आपका फाइल मैनेजर का एक्सेस ले रहा है। और आप मेरे इस फोन में कोई गाने नहीं है ऑफलाइन, इन केस जितने भी सारे गाने होते डिवाइस पे वो यहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं। यहाँ से आप पर्टिकुलरली सिलेक्ट करके ऐड कर लोगे, और जो हमें लिमिटेड स्पेस मिलता है 200 MB का आप, और यहीं से आप जो ये देखिए मेरा प्लेलिस्ट यहाँ पे आ गया, अभी 0 सॉन्ग है, तो इसी के अंदर आपको जो सारे सॉन्ग्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा AI वॉच फेस विथ वाटरमार्क, जो वॉच फेसेस ये जनरेट करता है AI, उस पर एक बैजिंग लग जाएगी और कुछ नहीं है। फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्ट्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तब आपको अपने फ़ोन को छूने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सिंपली वॉच से ही आप जो फ्रिक्वेंटली कॉन्टेक्टेड पर्सन है उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्विक मैसेज रिप्लाई, यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट रिप्लाई आप सेट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लॉक देखने के लिए मिल जाता है, और नीचे आते तो यूजर गाइड मिल जाता है, डिवाइस अपडेट अगर कोई फर्मवेयर अपडेट अगर आपको चेक करना हो तो यहाँ पे ही मिल जाता है। हेलो, फोन से उठा लो, और आवाज़ कैसी आ रही है? नया फोन लिया है, कैसा लग रहा है आवाज़? चलो ठीक है, कल मिलते हैं तो दिखाते हैं। कॉल क्लैरिटी वगैरह अच्छी आ रही है ना? तुम्हारी आवाज़ अच्छी खासी आ रही है मुझे। मुझे भी आ रही है, कब लिया तुमने ये? अरे इतना सब डिटेल आज ही डाल लो क्या? अच्छा ठीक है, चलो मिलते हैं तो शाम में आते हैं तो बात करते हैं। सो ये रहा इसका कीपैड। कीपैड में अगर हम लोग नंबर का साइज देखें तो काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है यहाँ से आप टाइप करके, अगर कोई तो यहीं से आप बैकस्पेस वगैरह कर सकते हो और यहीं से आप सिंपली कॉल कर सकते हो। ये देखो मैं यहाँ से कॉल दबाऊंगा और ये यहाँ पे कॉल चला जाएगा। So overall, this was the whole video on Realme Watch S2. I hope you liked this video. अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर या किसी फीचर के बारे में आपको स्पेसिफिकली जानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मैं उस पर जल्द ही एक वीडियो बना दूंगा। आप मेरे WhatsApp चैनल को ज्वाइन कर सकते हो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको लेटेस्ट अपडेट डिस्काउंट के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा टाइम टू टाइम। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।